हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे यूएस वर्सेस बांग्लादेश का बीच जो T20 मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। यूएस और बांग्लादेश का बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा मुकाबला होगा और पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स होगा, डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के रूप में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में कौन रहेगा। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग, मेगा जीएल, जीएल का रिक्सी टीम, जीएल का सेफ टीम, जो भी टीम लगाते हैं उन टीम में से आप कौन सा प्लेयर को चूज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सके। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में देखिए, एम पटेल यूएस की एक विकेट कीपर है और ये टॉस होने के बाद देखिएगा इनका लाइनअप में नाम अगर शामिल होगा तो अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। डर्म कार्ड यूनिक के साथ साथ अच्छे बैट्समैन है, ठीक ठाक प्रदर्शन करने का उम्मीद और संभावना रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेरोज। हेरोज जो है यूएस की है, इसके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। उसके बाद देखिए जे अली, लोथन दास का चार ओलंडर, चार विकेट कीपर है, चार विकेट कीपर में से दो डर्म कार्ड यूनिक ओलंडर छिपा है, दो डर्म कार्ड यूनिक ओलंडर के रूप में रहेगा जे अली, उसके बाद रहेगा एम पटेल। अगर टॉस होने के बाद बैटिंग ऑर्डर जरूर देखिएगा कितने नंबर में बैटिंग करेगा। अगर 3 से 4 नंबर में इन दोनों को बैटिंग रहेगा या 5 नंबर तक, तो आप अपने टीम में इन दोनों को रख सकते हैं। अगर 5 से बाद रहेगा तो आप इन दोनों में से किसी एक को रखिएगा, क्योंकि विकेट कीपरिंग भी अच्छा है, रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में अयमुल्ला का जो है 5 नंबर में बैटिंग करता है, लेकिन ये बैटिंग से फ्लॉप से जल्दी नहीं होता है और अच्छे खासे फॉर्म करता है, जब भी इन्हें मौका मिलता है ठीक ठाक प्रदर्शन कर देता है। अब एन हसन अच्छे खासे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन सेलेक्शन परसेंट रहा है, इस आईपीएल के दौरान फ्लॉप्स हो रहा है, एक में अच्छे फॉर्म में है, लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप्स हुए हैं। टी वेस्टर भाई 5 मुकाबले खेले हैं, एरिसन में 5 मुकाबले में 3 में अच्छे परफॉर्म किए हैं, 2 में फ्लॉप्स हुए हैं। टी हसन अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं। एज जॉक्सन अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं, अच्छे खासे साथ साथ इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एन नटे, अच्छा खासा रहेगा, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो है ये 6 बैट्समैन है, ये 6 बैट्समैन में से आप लोग किसी को भी ट्राई करते हैं ओलंडर सेक्शन में, ओलंडर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट ओलंडर के रूप में कौन रहेगा और किन का रिकॉर्ड अच्छे हैं ये भी बताएंगे। इम्पॉर्टेंट ओलंडर के रूप में रहने वाला है वो कौन रहेगा, देखिए ये भी मैं बता देता हूँ। ओलंडर सेक्शन में इम्पॉर्टेंट ओलंडर साकिब अल हसन रहेगा, साकिब अल हसन ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा। एस वैन तो अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, सी क्वालंटन अच्छे खासे उम्मीद लगा सकते हैं, मेहदी हसन ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है, अच्छे उम्मीद इनसे लगा सकते हैं, रिकॉर्ड की दृष्टि से ठीक ठाक है। अब यहाँ पर देखिए टी वेस्टर्न अच्छा खासा रिकॉर्ड है, देखिए जिनका रिकॉर्ड अच्छे हैं आप लोग को लगता होगा भाई इन्हें हर एक रिकॉर्ड अच्छे बताता है तो अपने टीम में लू किसे, ये भी बताएंगे आप अपने टीम में किसे रखेंगे। आर वेस्टर्न अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट जो है एस शेखर ठीक ठाक है, एन पटेल ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट के रूम में कौन रहने वाला है ये मैं आप लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पर बॉलर सेक्शन में आते हैं, बॉलर सेक्शन में इम्पोर्टेंट बॉलर के रूम में रहेगा टी अहमद, अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, मोहम्मद रहमान ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, एस सिंह अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, डर्म कार्ड यूनिक होगा, यूएस की तरफ से खेलने वाला है। एस अमन अच्छा खासा है, एस असलम टर्म कार्ड यूनिक के साथ साथ रिक्सी भी होगा, रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। जे सिंह खास प्रदर्शन नहीं किया है और इन सब का लाइनअप में भी अभी नाम शामिल नहीं है। अभी जिनका रिकॉर्ड अच्छे हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं और टॉस होने के बाद कोई भी न्यू प्लेयर एंट्री मारेगा तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड, ये 5 बॉलर है,
पांच बॉलर में से रिकॉर्ड पांचों का अच्छा है, तो इन पांच में से आप लोग किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद और संभावना रहेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। मैं अपने टीम में किसे लूँगा, क्योंकि मैं गरेन डेली का रिक्सिट टीम बनाता हूँ, इसलिए मैं कुछ यूनिक ट्राई करूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अपने टीम में एम पटेल को लूँगा। एम पटेल को लेने के बाद देखिए जे अली को लूँगा। इन दोनों का डर्म कार्ड यूनिक होगा और दो विकेट कीपर लिया हूँ, क्योंकि गरेन डेली का जब मैं रिक्सी टीम बनाता हूँ तो इन दोनों को अपने टीम में ज़रूर पिक करूँगा। और इन दोनों में से एक एम पटेल को मैं पिक कर रहा हूँ। अब बैट्समैन में आता हूँ। बैट्समैन में टी हसन अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, उसके बाद देखिए ए जॉक्सन अच्छा खासा डर्म कार्ड यूनिक होगा और इन्हें मैं अपने टीम में रखा हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। साकिब अल हसन को मैं अपने टीम में पिक करूंगा। साकिब अल हसन का रिकॉर्ड अच्छा है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी सेफ रहेगा। और उसके बाद कॉलोंटन ठीक ठाक रहेगा। मेहदी हसन एसन, मैं चारों का चारों ऑलराउंडर को पिक किया हूं। अब मैं बॉलर सेक्शन में आता हूं। एस सिंह का पिक करूंगा, या अगर एस सिंह का पिक नहीं कर रहा हूं तो इम्पॉर्टेंट मेरा बॉलर रहेगा, वो रहेगा टी हामिद मोहम्मद रहमान, क्योंकि अभी फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है इन सबको। अब यहां पर टी असलम को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूं, एस सिंह का रखा हूं। अब यहां पर देखिए मैंने चार बॉलर रखा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं अपने टीम में चार बॉलर रखा हूँ और चारों का रिकॉर्ड, चार में से दो डर्म कार्ड यूनिक बॉलर रखा हूँ और दो सेफ बॉलर रखा हूँ। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर में मैं चारों का चारों ऑलराउंडर अभी फ़िलहाल के लिए सेफ रखा हूँ। और टॉस होने के बाद देखिए कोई भी चेंज होगा तो अगर ये टी एवेस्टर खेलेगा तो मैं इस ऑलराउंडर को मैं अपने टीम में न रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इन चार को ले रहा हूँ। चार को लेने के बाद देखिए अब दो बैट्समैन को लिया हूँ, दो बैट्समैन को लेने के बाद एक विकेट कीपर को लिया हूँ। अब देखिए मैंने पाँच छः के कम्बिनेशन बनाया हूँ और पाँच छः के कम्बिनेशन में अब चलिए आप लोग जानते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परफॉर्म कर जाएगा उनका टीम अच्छे खासे रैंक कर जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर सेफ कैप्टन देना चाहते हैं तो सेफ कैप्टन के रूम में साकिब अल हसन रहेगा और वाइस कैप्टन के रूम में केन डोनाल्डसन रहेगा, क्योंकि इन दोनों का बैटिंग और बॉलिंग दोनों लाजवाब है। इन्हें सेफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हैं। अगर थोड़ा रिक्सेबल कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहते हैं तो टी हामिद को रख सकते हैं। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा जीएल जीएल का रिक्सी टीम बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन का चूज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए कैप्टन जो है साकिब अल हसन को देता हूँ, वो टॉस होने के बाद मैं चेंज कर लूँगा। और वाइस कैप्टन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा मेरा, वाइस कैप्टन मोहम्मद मुजफ्फर रहमान या टी हामिद को मैं वाइस कैप्टन देता हूँ। मुजफ्फर रहमान को मैं वाइस कैप्टन दिया हूँ, कैप्टन दिया हूँ साकिब खान को। ये अगर इन्हें सेलेक्शन परसेंट रहा है तो इसलिए मैं कैप्टनसी इसे देता हूँ। बैलेंस पिच है तो इसलिए देना चाहिए, लेकिन हर कोई साथ जाएगा, लेकिन मैं कैप्टन जो है अलग दूंगा। यहाँ पर मेरा जो है मुजफ्फर रहमान कैप्टन रहेगा, वाइस या टी हामिद रहेगा। अब सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहेगा। मैं गरेन डेली का रिक्सी टीम बनाता हूं। अगर आप लोग गरेन डेली का सेफ टीम बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हैं। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।